हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो JF-17 ब्लंडर पर जो सीरीज हमने चालू करी थी उसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और इसके अंतर्गत हम आज रडार को डिस्कस करेंगे, वो भी काफ़ी डिटेल में। तो जब हमने कंपैरिजन किया था तब हमने बताया था कि कैसे जो JF-17 का AESA रडार है ये एयर कूल रडार है और जो LCA-3S Mk-1A में फिलहाल इजरायली एल्टा ईलम 2052 रडार यूज़ हो रहा है, ये एक लिक्विड कूल्ड AESA रडार है जो कि ज़्यादा एफिशिएंट है। और जो उत्तम AESA रडार हम डेवलप कर रहे हैं वो एल्टा ईलम 2052 से भी ज़्यादा एफिशिएंट है। इसके कंपैरिजन में जो एयर कूल्ड AESA रडार है इसकी रिलायबिलिटी भी पुअर होगी, साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी आपको उतनी नहीं मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा टेक्निकल होगा पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सरफेस लेवल की इन्फॉर्मेशन को ही डिस्कस करें ताकि सबको समझ में आए, भले ही आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हों चाहे ना हों। तो पहले मैकेनिकली स्टीयर्ड पल्स डॉप्लर रडार यूज़ किए जाते थे जिसके अंतर्गत जो मेन एंटीना है उसको डिफरेंट एंगल में स्कैन कराने के लिए फिजिकली मूव कराना पड़ता था, जिसके लिए एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव यूज़ होती थी जो कि इसे डिफरेंट एजिमथ और एलिवेशन में स्कैनिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराती थी। तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव एक सर्टेन स्पीड से ही मूव कर सकती थी जिसकी वजह से जो स्कैनिंग रेट है वो काफ़ी लिमिटेड होता था। आजकल भी ये रडार कई पुराने एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि हमारा जो LCA-3S Mk-1 है उनमें ऐसे रडार यूज़ किए जा रहे हैं। ये इजरायली एल्टा ईलम 2032 है। वहीं पर JF-17 की बात करेंगे तो ब्लॉक 2 वर्जन तक चाइनीज़ KLJ-7 MSAs को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पावर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है और एयर कूलिंग से काम चल जाता है और एफिशिएंसी भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। फिर बारी आती है पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे की। ये रडार Su-30 MKI में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो रडार बीम्स होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टीयर करी जाती हैं, तो मेन यहाँ पर जो एंटीना है उसको फिजिकली मूव नहीं कराना पड़ता है। तो जो Su-30 MKI में NO-11M पार्स रडार लगा हुआ है ये एक PES रडार है। बेसिकली यहाँ पर आपको मल्टीपल एंटीना एरे यूनिट मिल जाते हैं जो कि एकमात्र पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करते हैं। तो बेसिकली ट्रांसमीटर यहाँ पर एक ही होता है, डिफरेंट एंटीना एरे यूनिट जरूर होते हैं पर ट्रांसमीटर एक ही होता है जो कि एक ही फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। अब इन यूनिट्स में फेज शिफ्टर्स होते हैं जो कि इन पल्स की टाइमिंग में बदलाव करके फ्रिक्वेंसी को स्टीयर करते हैं और ये सब एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट एंगल्स में जो स्कैनिंग रेट है वो एक मैकेनिकल रडार से फास्टर मिल जाता है, बट एक मैकेनिकल रडार की तरह ही यहाँ पर ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही होता है। तो ये जो ट्रांसमीटर हैं ये बेस्ड हो सकते हैं एक या फिर दो ट्रेवलिंग वेव ट्यूब्स पर। इसके बाद बारी आती है AESA की, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे की, जिसके अंतर्गत जो डिफरेंट एंटीना एलिमेंट्स होते हैं ये खुद ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि ये मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज में एक साथ काम कर सकते हैं और एक ही बार में जो रडार बीम्स हैं उनको मल्टीपल पॉइंट्स में फोकस कर सकते हैं। तो ये कहीं भी स्कैन कर सकते हैं एक ही बार में। तो यहाँ पर PESA की तरह इलेक्ट्रॉनिकली बीम स्टीयर भी करी जाती है पर ये मल्टीपल बीम्स हो सकती हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की, इसलिए इनको जैम करना मुश्किल होता है क्योंकि जो ओल्ड स्कूल जैमर्स होते हैं वो एक ही फ्रिक्वेंसी को मिमिक करने का काम करते हैं। यहाँ पर आप फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कर देंगे तो जैमर कन्फ्यूज हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि AESA रडार के अगेंस्ट में आपको AESA जैमर्स भी चाहिए जो कि 3S Mk-1 के लिए डेवलप कर लिया गया है। वहीं पर JF-17 अभी भी पुराने KJ-600 और KJ-700 सीरीज के जैमर्स को यूज़ करते हैं, यानी कि AESA रडार के अगेंस्ट में इनके सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर किसी काम के नहीं हैं। अब बात करते हैं पार की। तो जो AESA रडार होते हैं ये यूज़ करते हैं गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर्स को, और जैसा कि हमने बताया हर TR मॉड्यूल्स अपनी खुद की फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने में सक्षम है। तो किसी भी TR मॉड्यूल की जो पावर एफिशिएंसी है उसको कैलकुलेट किया जाता है पावर एडेड एफिशिएंसी से, जिसे PAE कहा जाता है। ये रेफर करता है कि फाइनल स्टेज में क्या एफिशिएंसी है। तो कहा जाता है कि जो गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड सेमीकंडक्टर को यूज़ करने वाले AESA रडार हैं वहाँ पर आपको जो हाई पावर एम्पलीफायर में एफिशिएंसी मिलती है ये 40% PAE यानी कि पावर एडेड एफिशिएंसी के अप्रॉक्स है। वहीं पर जो नए गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA है वहाँ पर आपको जो हाई पावर एम्पलीफायर्स की एफिशिएंसी मिलती है ये 50% PAE के अप्रॉक्स की है, यानी कि जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार है ये 10% ज़्यादा एफिशिएंट है गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार से। वहीं पर जो PESA रडार में ट्रेवलिंग वेव ट्यूब्स को इस्तेमाल किया जाता है वहाँ आपको 60% के अप्रॉक्स की पावर एडेड एफिशिएंसी मिलती है, यानी कि अगर गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार में आप एक पर्टिकुलर अमाउंट की पावर को सप्लाई करेंगे तो हाई पावर एम्पलीफायर तक खाली 40% के अप्रॉक्स की ही पावर या फिर एफिशिएंसी यहां पर पहुंचेगी। तो बाकी बची जो है वो हीट में कन्वर्ट होती है, यानी कि जितना बेटर आप हीट मैनेज कर पाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपको एफिशिएंसी मिलेगी।
यानी कि अगर आपको हाई पावर एम्पलीफायर में ज़्यादा पावर पहुँचानी है तो हीट मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर एनर्जी जो है ये हीट को मैनेज करने में या फिर रडार को कूल करने में चली जाती है और तभी आपको रडार में एफिशिएंसी बेटर मिलती है। इसलिए ज़्यादातर जो आपके AESA रडार एयरक्राफ्ट में यूज़ हो रहे हैं वहाँ पर आपको लिक्विड कूलिंग ही मिलेगी। यहाँ पर हम फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एफिशिएंसी तभी ज़्यादा हो पाएगी और आपको ज़्यादा स्कैनिंग रेंज मिलेगी। तो अगर आपकी कूलिंग एफिशिएंट है तो एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से जो आपको एक पर्टिकुलर RCS के लिए स्कैनिंग रेंज मिल रही है MSA रडार से, उससे दुगनी आपको AESA में मिलेगी। और अगर ये एफिशिएंट नहीं है तो हो सकता है आपके MSA रडार से थोड़ी ही ज़्यादा हो, और JF-17 के केस में यही है। बाकी जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी की बात होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है, करीबन 10% का डिफरेंस आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है ये थोड़ी कम होती है और इसलिए वो रडार थोड़ा कम पावर में भी ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्मेंस देने में सक्षम होते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड रडार में मिल रही है। वहीं पर जो Su-30 MKI में बार्स रडार लगा है वो इनसे भी 10% ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, लेकिन वहाँ पर सिंगल फ्रिक्वेंसी में ही काम होता है तो जो स्कैनिंग रेट है वो आपको इतना नहीं मिलेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट की पावर के लिए जो PES रडार है ये लॉन्गर एरिया फास्टर स्कैन करने में सक्षम होंगे। तो एफिशिएंट AES रडार की यही परेशानी है कि ये पावर हंग्री होते हैं, वरना इनको जैम करना मुश्किल होता है क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी स्विच कर सकते हैं और ये वाइडर एरिया को एक साथ स्कैन कर सकते हैं और मल्टीपल मोड्स में एक साथ काम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अलग अलग TR मॉड्यूल्स हैं। तो एयर कूल्ड AES रडार भी एग्जिस्ट करता है और इसको यूज़ भी किया जाता है, लेकिन इनको वहीं यूज़ किया जाता है जहाँ पर स्कैनिंग आपको ज़्यादा लॉन्गर रेंज में नहीं चाहिए होती है। इंडिया द्वारा भी एयर कूल्ड AES रडार्स को डेवलप किया जा रहा है, पर ये UAVs के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको AES रडार के फीचर्स तो मिल जाएंगे पर एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं मिलेगी, अल्टीमेटली जो रेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। और अगर आप रडार को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो रडार का है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगर आसान भाषा में कहें तो इनके जो JF-17 ब्लॉक 3 हैं इनमें जो AES रडार लगा है ये एक छोटे UAV का लगा है, तो बच्चों को यहाँ पर खिलौना दिया गया है और ये हमारे द्वारा भी डेवलप किए जा रहे हैं पर हम अपने UAVs में इनको यूज़ करेंगे और वो भी मेनली पर्टिकुलर रोल्स के लिए होंगे, जिसके अंतर्गत ग्राउंड स्कैनिंग या सरफेस स्कैनिंग एक प्राइमरी रोल रहेगा जहाँ पर SAR-ISR जैसे मोड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। वहीं पर अगर आपको पावरफुल फायर कंट्रोल रडार एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए चाहिए तो वहाँ पर कूलिंग एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। गैलियम नाइट्राइड के केस में जो कूलिंग रिक्वायरमेंट है ये थोड़ी कम हो जाती है, जैसा कि हमने बताया 10% की एफिशिएंसी आ जाती है, तो कम पावर में भी आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है। और इसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं Su-30 MKI के विरूपक्ष रडार को लेकर। साथ ही साथ AESA के साथ एक और जो इशू आता है जो कि PESA के साथ भी शेयर होता है वो ये होता है कि ये जिस एंगल में स्कैन कर सकते हैं एजीमथ में वो लिमिटेड हो जाता है क्योंकि जो मेन रडार एंटीना है वो मूव नहीं करता। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए Su-30 MKI के विरूपाक्ष रडार में इलेक्ट्रोमैकेनिकल ड्राइव को यूज़ किया जा रहा है, जैसा कि हम पास्ट में वीडियो बनाकर डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी जो रिसर्च है वो सही डायरेक्शन में जा रही है। इवन जो तेरस के लिए जैमर इस्तेमाल किया गया है जो कि AESA है, वो भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर्स को ही यूज़ करता है, ज़्यादा एफिशिएंट है, वहाँ पर कूलिंग रिक्वायरमेंट भी कम है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।